हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू टिप्स मैं हूं सरबजीत सिंह आज हम करेंगे एनपीओ का नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव ऊषा पब्लिकेशन की बुक से देखिए अपनी बुक खोलिए इसमें सम थर्टी फाइव नंबर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट स्लैश जीएसटी ब्रैकेट में लिखा हुआ मीन्स जी एस और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला सम है इसमें क्या सम हमें दिया देखिए द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ वाइट स्टार फुटबॉल एसोसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड फिफ्टीन अब पहले साल का हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में और कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है बाद में ए से लेके एफ तक उसमें ये बाद आपको बोला है प्रिपेयर फ्रॉम द डिटेल गिवन अब एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड फिफ्टीन अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को बोला है ऊपर की सारी डिटेल को कंसिडर करने के बाद क्लियर अब इस क्वेश्चन को और एडजस्टमेंट को हम साथ में रीड आउट करते रहेंगे और उसके बाद इसका सोल्यूशन भी निकाल देंगे कुछ वर्किंग नोट वगैरह बनेंगे जैसे हमने छोटे समय में किए थे वैसे ही सारी कैलकुलेशन करके हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में उस अमाउंट को डालेंगे और फाइनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा क्लियर अगर आपने अभी तक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को अच्छे तरीके से नहीं समझा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को भी कैसे प्रिपेयर करना नहीं समझा तो मैंने वो वीडियो बहुत ही एक्सप्लेनेटरी वीडियो पहले ही दोनों ही टॉपिक की बनाकर डाली हुई है आप उसको जरूर चेक कीजिए ताकि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मीनिंग और उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लगे

वन सेवेंटी ये भी क्या है हमारी क्लोजिंग एक्सपेंस है हमारा आउटस्टैंडिंग तो ये क्या करेंगे हम एक्सपेंस में ऐड कर देंगे जैसे हमने पीछे किया भी है ठीक है उसके बाद हमारे पास सी एडजस्टमेंट है वो है वेजेज अनपेड फॉर थाउजेंड वो हमारा नाइन्टी रुपीज है जो भी आउटस्टैंडिंग स्टैंडिंग वेजेज हो गए क्लियर उसके बाद हमें दिया हुआ डी में आउटस्टैंडिंग स्टैंडिंग बिल फॉर सेंट्री एक्सपेंसिफ और फोर्टी रुपीज ये तीनों के तीनों हमारे क्या हो गए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिज हो गए आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सेंट्री एक्सपेंसिज नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ई पॉइंट डोनेशन सीव एज वेल एज लाइफ मेंबर फीस एंड एंट्रेंस फीस हैज टू बी कैपिटलाइज हैव टू बी कैपिटलाइज मींस वो हमें बैलेंस शीट में डालनी है जब भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा आ जाए डोनेशन एंट्रेंस फीस या मेंबर लाइफ टाइम मेंबर फीस कैपिटलाइज करनी है तो आप बैलेंस शीट में डालोगे उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं डालोगे मीन्स ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको कैपिटल रिसिफ्ट ट्रीट करोगे क्लियर नेक्स्ट है हमारे पास लॉकर रेंट इज रिसीव ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर इनक्लूसिव ऑफ सी जी एस टी एंड एस जी एस टी ऑफ रुपीज थ्री पॉइंट अप्लाई जी एस टी एटीन परसेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल इफ एप्लीकेबल अब इस एडजस्टमेंट लॉकर रेंट जो हमारा बहुत दिया हुआ CGST, है सी जी एस टी एस जी एच उसमें इंक्लूड है और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में हमने लगाना है ओके okay? क्वेश्चन में सबसे पहले हम रिसिफ्ट साइड को देखते हैं और सिप्ट साइड देख के हम इनकम साइड प्रिपेयर करेंगे रिसिप्ट साइड हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है डोनेशन डोनेशन हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा बैलेंस शीट में जाएगा उसका रीजन जहां पर देखिए हमें हमारे पास क्वेश्चन में जो ई दी, दी हुई है एडजस्टमेंट उसमें लिखा हुआ है डोनेशन रिसीव एज वेल एज लाइफ मेंबरशिप फीज एंट्रेंस फीस है तीनों के तीनों ही नहीं आएंगे डोनेशन भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा लाइफ मेंबरशिप फीस भी और एंट्रेंस फीस ये दोनों दो आइटम्स हैं दोनों की दोनों बैलेंस शीट में जाएंगी क्लियर नेक्स्ट है हमारे पास रिसिफ्ट फ्रॉम फुटबॉल मैचेस 8000 इसको हम इनकम मान लेंगे तो इसको लिखे इनकम साइड सो so, शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ वाइट स्टार फुटबॉल एसोसिएशन फॉर द ईयर एंडेड थर्टी दिसंबर टू थाउजेंड फिफ्टीन फॉर्मेट हमारा ड्रा हो गया एक्सपेंडिचर साइड हमारी डेबिट हो जाएगी इनकम साइड हमारी क्रेडिट आ गई ठीक है बाय रिसिप्ट फ्रॉम फुटबॉल मैचेस एट थाउजेंड नेक्स्ट है हमारे पास सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ इसको भी हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम हमारी इनकम होती है ठीक है तो इसको भी इनकम साइड लिखेंगे जितनी भी रिसिप्ट होती रेसिप्ट में से only only निकलती है कितना है पर 5200 लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन 5200 और इसके बाद अब आपके पास पहली एडजस्टमेंट दी हुई है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इस ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी हमें दिया हुआ है सो so, इसको हम ऐड कर देंगे यहां पर ही शो कर देते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है एक ही अमाउंट है तो इसको यहां पर ही ऐड करके हम दिखा देंगे क्लियर यहां पर लिखो नीचे ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू फिफ्टी और इन दोनों का टोटल लगा के हम अमाउंट वाली साइड में लिख देंगे दोनों का टोटल आ गया हमारे पास फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी नेक्स्ट है हमारे पास लॉकर रेंट फिफ्टी रुपीज अब लॉकर रेंट पर हमारा क्या है कि जीएसटी और एस जी इंक्लूड है उन्होंने बोला था ना हमें लॉकर रेंट पे इंक्लूड है तो इसको क्या करेंगे हम जीएसटी और सी जी एस जहां से निकाल लेंगे जितना भी होगा क्लियर सो so, लॉकर रेंट का वर्किंग नोट बना के आपको दिखाते हैं लॉकर रेंट में अमाउंट कितना जाएगा हम इसकी जनरल एंट्री पास कर लेते हैं लिखिए लॉकर रेंट एंड जीएसटी लॉकर रेंट इज रिसीव्ड ऑन लास्ट डेट ऑफ द ईयर एंड द एंट्री पास विल बी कैश काउंट डेबिट टू लॉकर रेंट टू आउटपुट सी जी एस टी टू आउटपुट एस जी एस टी अब कैश तो फिफ्टी लिखा हुआ है क्योंकि रिसिप्ट साइड हमारे पास फिफ्टी रुपीज़ है तो वो तो फिफ्टी आ गया और आउटपुट सी जी एस टी और एस जी एस टी हमें दिया हुआ है थ्री रुपीज़ फिफ्टी थ्री पॉइंट फिफ्टी रुपीज़ है तो दोनों थ्री पॉइंट फिफ्टी थ्री पॉइंट फिफ्टी लिख लो वो जो तो सेवन रुपीज़ टोटल हो गया फिफ्टी माइनस सेवन करोगे तो आपके पास नेट जो लॉकर रेंट है वो उसका अमाउंट निकल जाएगा लॉकर रेंट का अमाउंट कितना आ गया फोर्टी थ्री रुपीज क्लियर जे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा ये एक्चुअल हमारी इनकम है सी जी एस टी एच तो हमको सरकार को देना पड़ेगा क्लियर इनकम साइड लिख लीजिए बाय लॉकर रेंट फोर्टी थ्री इसके साथ साइड में लिख देते हैं छोटा सा वर्किंग नोट नंबर वन नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है जो हमारी इनकम है तो रेवेन्यू नेचर की तो इसको भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख लेंगे सो तो लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी टू हंड्रेड फोर्टी लास्ट में हमारे पास आ गया संड्री रिसिफ्ट आ गई थ्री फिफ्टी की जो सन्ड्री जो हमारे सेंडरी इनकम्स बन जाएंगे ठीक है सो इनकम साइड इसको लिख देते हैं बाय बाय्री इनकम्स थ्री हंड्रेड फिफ्टी अब रिसिफ्ट साइड वाली जो जो एंट्री का ट्रीटमेंट होना था वो हमने कर दिया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ठीक है इनकम मान के अब पेमेंट वाली साइड देख लेते हैं उनको भी एक्सपेंडिचर साइड नोट डाउन कर लेंगे सो so, देखिए सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है बाय पवेलियन ऑफिस कंस्ट्रक्टेड अब पवेलियन ऑफिस कंस्ट्रक्ट हो रहा है बिल्डिंग बन रही है जो हमारा एसेट्स है है कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर कोई भी एसेट पर अगर हम खर्चा करते हैं वो हमारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है तो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आते वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होते हैं तो ये अमाउंट हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा ओके नेक्स्ट है हमारे पास बाय एक्सपेंसिज इन कनेक्शन विद मैच अब मैचेस के कनेक्शन में हमने खर्चा किया मैच करवाने के लिए नाइन हंड्रेड का तो ये तो हमारा खर्चा हो रहा है क्योंकि हम मैच के टिकट भी तो बेचने हैं ना सो जहां पर लिखिए टू मैच एक्सपेंसिस नाइन हंड्रेड एक्सपेंडिचर कॉलम में लिख देते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास बाय फर्नीचर अकाउंट टू थाउजेंड वन हंड्रेड अब फर्नीचर दिया हुआ ये भी हमारा एसेट्स है फर्नीचर की परचेज कर रहे हैं तो एसेट्स तो हमारा कैपिटल नेचर का हो गया एक्सपेंडिचर तो ये बैलेंस शीट में जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड होगा क्लियर उसके बाद हमारे पास आ गया बाय इन्वेस्टमेंट ये भी हमारा क्या है इन्वेस्टमेंट क्या है हमने किसी और बिजनेस में पैसा लगा दिया तो ये भी कैपिटल नेचर का एसेट हो गया ना जब भी हमारा तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो गया तो ये भी बैलेंस शीट में जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड होगा क्लियर नेक्स्ट है हमारे पास बाय सैलरीज अकाउंट 1,800 अब सैलरीज हमारा एक्सपेंस है इसको हम एक्सपेंडिचर कॉलम में लिखेंगे लिख लीजिए टू सैलरीज अंदर लिख लीजिए 1,800 बिकॉज हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी भी दी हुई है एडजस्टमेंट्स में यहां पर लिखा बी एडजस्टमेंट देखिए सैलरी अनपेड पेड फोर थाउजेंड फिफ्टीन रुपीज वन हंड्रेड सेवेंटी अब अनपेड मीन्स आउटस्टैंडिंग पे नहीं की ड्यू बट नॉट पेड ओके तो इसको हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे सो लिखिए ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 170 तो टोटल लगा के हम बाहर लिख देंगे इसका अमाउंट वाले कॉलम में 1970 नेक्स्ट है हमारे पास बाय वेजिस अकाउंट 600 अब वेजिस का भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिया हुआ है हमें सी ट्रांजैक्शन में जो हमें दिया है एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट में लिखा है वेजेस अनपेड 90. अब 90 आउटस्टैंडिंग भी है तो हम क्या करेंगे जहां पर लिख दीजिए टू बेजिज काउंट सिक्स हंड्रेड एड कर दीजिए उसमें आउटस्टैंडिंग वेजिस रुपीज नाइनटी सिक्स हंड्रेड प्लस 90 क्या तो हमारे पास आ गया सिक्स हंड्रेड नेक्स्ट है हमारे पास बाय इंश्योरेंस अकाउंट जो इंश्योरेंस हमें दिया हुआ कितना है थ्री फिफ्टी तो ये भी हमारा एक्सपेंस है इसको भी हम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख लेंगे टू इंश्योरेंस अकाउंट थ्री फिफ्टी उसके बाद हमें दिया हुआ है बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस कितने टू फिफ्टी अब टेलीफोन एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं टू फिफ्टी तो इसको भी हम लिख लेंगे टू टेलीफोन एक्सपेंसेस टू फिफ्टी एक्सपेंडिचर कॉलम में ओके नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस 110 लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट भी हमने रीड आउट की थी वो क्या थी देखिए यहाँ पर एफ एडजस्टमेंट है उसमें लिखा हुआ है जो एंड अप्लाई जी एस टी एट द रेट एटीन परसेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल इफ एप्लीकेबल अगर एप्लीकेबल है तो एटीन परसेंट उस पर भी लगा आप वर्किंग नोट में एक नोट दे दो और लिख दो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आर एग्जाम्ट फ्रॉम जीएसटी एस नो जी एस टी इज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल जीएसटी के एक्ट के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है हमारा उस पर जी नहीं लगता कोई सर्विसेज वगैरह दी हो मीन्स मीटर रेंट वगैरह या कुछ अदर चीजें उस पर लगता है सो इलेक्ट्रिसिटी बिल पर नहीं लगता इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है जीएसटी से तो इस पर कोई जीएसटी कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे तो सीधा अमाउंट ही इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देंगे ओके okay? तो लिखिए एक्सपेंडिचर कॉलम में टू इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट आ जाएगा रीड आउट की थी इसकी एडजस्टमेंट क्या थी आउटस्टैंडिंग बिल फॉर सन्ड्री एक्सपेंसिस रुपीज फोर्टी जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस हमें दिए हुए हैं सो तो इसको क्या करेंगे टू सेंड्री एक्सपेंसिस लिखे टू हंड्रेड टेन लिख के उसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सेंडरी एक्सपेंसेस रुपीज फोर्टी टोटल हमारा निकल के अमाउंट कॉलम कॉलो मेगा टू फिफ्टी क्लियर अब चेक कर लीजिए सारी के सारे अमाउंट हमने ट्रीट कर दिए हैं उसके बाद सारी के सारे एडजस्टमेंट का भी ट्रीटमेंट हो चुका है सो इसका अब हम टोटल लगा लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड का भी और एक्सपेंडिचर साइड का भी जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा उसको हम दोनों साइड लिख के उसमें से बैलेंस निकाल लेंगे क्लियर अब एक्सपेंडिचर वाली साइड का टोटल हमारे पास है 4,520 और इनकम साइड का टोटल हमारे पास है फोर्टीन थाउजेंड एटी थ्री रुपीज सो so, इनकम साइड का टोटल दोनों साइड में लिख लेते हैं फोर्टीन थाउजेंड एटी थ्री फोर्टीन थाउजेंड एटी थ्री अब फोर्टीन थाउजेंड एटी थ्री में से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी तो हमारे पास बैलेंस निकल के आ जाएगा नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी थ्री अब इस बैलेंस को हम लिख देंगे टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में लिख दो सरप्लस ये हमारे पास अमाउंट आ गया सरप्लस का ओके okay? अब जो फिगर्स बैलेंस शीट में डाली थी वो तो हम नहीं प्रिपेयर करने वाले बिकॉज क्वेश्चन में हमें एंड ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने को बोला है तो जो नहीं हमने ट्रीट की तो उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है वो ट्रीट नहीं होगी इस क्वेश्चन में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर अगले आने वाले क्वेश्चन जिसमें भी हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे उसमें वो चीजों को हम ट्रीट करेंगे जो भी आइटम हमने छोड़ी है इसमें तो ऑनलाइन ऑनली इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ही प्रपेर करना था सो so, इस क्वेश्चन में इतना ही अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए हम कमेंट का रिप्लाई करेंगे कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करें आपको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई कर सकें ठीक है सो so, वीडियो को लाइक जरूर करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा पहले को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बाय गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग गुड नाइट जब भी आप वीडियो को देख रहे हो सत